गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू डिलीशियस किचन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बहुत ही शानदार सर्दियों के लिए। अगर आपका मन कर रहा है समोसे खाने का, पकोड़े खाने का, तो भूल जाइए ब्रेड पकोड़ा सब कुछ। रोटियां हैं ना घर में बची हुई, तो बस उसी से ये नाश्ता बनाएंगे, स्नैक्स बनाएंगे जल्दी से। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन को प्रेस कर दीजिएगा। सामने जो बेल आइकन हिलता दुलता दिखाई दे रहा है इसे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो मैं रोज़ वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले जो हम स्नैक बना रहे हैं बची हुई रोटी लेफ्ट ओवर रोटी से, वह बेसन रोटी रोल्स बहुत ही शानदार पकौड़े के स्वाद के साथ। हमने लेना एक कप भर के कटी हुई बारीक कटी हुई पालक, धो लीजिए काट लीजिए बारीक। उसमें 3 से 4 चम्मच बड़े चम्मच बेसन डालिए, ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन मिनिमम 4 चम्मच तो डाल ही दीजिए। 1 चम्मच डालिए ऑयल, घी भी डाल सकते हैं, मैंने ऑयल लिया। 1/2 चम्मच नमक डालिए, मसाले इसमें बहुत सारे डालिए तभी टेस्टी सी बनती है, बहुत चटपटी सी बनती है। मिर्ची भर के 1 चम्मच डालिए और हरा धनिया भी डाल सकते हैं आप इसमें, साबुत धनिया डालिए 1 चम्मच, हल्दी डालिए 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच आप डालिए जीरा, आप अजवाइन डाल सकते हैं लेकिन जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच दही, इस वक्त आप इसमें सौंफ और साबुत धनिया दोनों को भून के 1/2 चम्मच वो भी डाल सकते हैं। अमचूर ज़रूर डालिएगा 1 चम्मच भर के, 1/2 चम्मच भर के डालिएगा क्योंकि अमचूर से बहुत ही शानदार सा टेस्ट आता है। गरम मसाला आप इस वक्त डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच आपने डालना है मीठा सोडा, इससे जो बेसन है ना वो बहुत सॉफ्ट सा बढ़िया बढ़िया सा बनेगा, तो ये ज़रूर डालिएगा। तो हमने बची हुई 2 रोटियां ले लेनी है और इसको हमने अच्छे से फैल के फैला फैला के लगा देना है अच्छे से, है ना। आप इसमें बेसन थोड़ा और भी मिला सकते हैं अगर चाहें तो, और दोनों रोटियों को ओवरलैप करते हुए इस तरीके से रोल कर दीजिए। लुक पे मत जाइए, ये बहुत ही खूबसूरत बाद में हो जाएगा। क्लिंग फिल्म में लपेट लीजिए क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको स्टीम करेंगे तो रोटी बिल्कुल गीली हो जाएगी। क्लिंग फिल्म में कर दीजिए, एल्युमिनियम फॉइल में कर दीजिए, जैसा भी आप चाहें। इसको अच्छे से लपेट दीजिए और इसको स्टीम करेंगे 10 से 15 मिनट, है ना। और 15 मिनट के बाद हमने इसको ठंडा करने फ्रिज में रखना है, उसके बाद काटना है वरना ये कटेगा नहीं। तो ठंडा होने के बाद इसको बारीक बारीक छोटा छोटा काट लीजिए। पैन में 2 चम्मच तेल लीजिए, उसमें मस्टर्ड सीड्स डालिए, करी पत्ता डालिए, उसको गर्म होने दीजिए एक बार, और फिर बस उसमें हींग डालना चाहें तो इस वक्त आप हींग भी डाल सकते हैं। और बस गर्म होने के बाद तेज़ आंच में इनको रखने के बाद बिल्कुल स्लो लो मीडियम में कर देना है आपने इसको, और बहुत देर तक आपने इसको क्रिस्प होने तक पकाना है। इसको जल्दबाजी ना कीजिएगा वरना ये बहुत कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है इसका। तो इसमें करारापन लाने के लिए आपने इसको बिल्कुल धीमी आँच में बहुत प्यार से इसको सेकना है। बाकी काम कर लीजिए, भूल जाइए कि सिक रही है, बस इसी तरीके से तेल बहुत कम लगता है, आराम से सिकती है ये। और ये देखिए इतने शानदार दिखने में, इतने शानदार, और ये करारी करारी सौंधी सौंधी पकोड़े वाली खुशबू पूरे घर में महक रही है। गट्टे की खुशबू जैसी नहीं होती, ब्रेड पकोड़े की खुशबू बहुत बढ़िया, और बाहर से जो रोटी है वो क्रिस्प हो रही है धीरे धीरे। मल्टीग्रेन आटे की रोटी है ये और बहुत ही शानदार बनती है ये, बहुत ही बढ़िया। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। आप एक तो चटनी के साथ खा सकते हैं, एक आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे सेक के रख लीजिए बोल में, ऊपर से चाट मसाला डालिए इसमें खूब सारा, और ऊपर से जो दाल होती है ना छिलके वाली मूंग की दाल, उसको बना के इसके ऊपर डाल दीजिए और नींबू निचोड़ दीजिए। दाल ढोकली बनती है बहुत टेस्टी, गट्टे की सब्जी का टेस्ट आता है, ढोकली का टेस्ट आता है, दाल ढोकली का, दोनों ही तरीके से आप इसको खा सकते हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत ही शानदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं दूसरी स्नैक्स, जो है रोटी कट समोसा। जी हाँ, बहुत ही शानदार। उसके लिए हमने लेने हैं 2 आलू, आप पनीर भी ले सकते हैं, कीमा भी ले सकते हैं, चिकन कीमा भी ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ 2 आलू। उसमें 1/4 कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे, पुरानी जो ब्रेड कॉर्नर्स बच जाते हैं ब्रेड के उनको फेंकी नहीं, उसके ब्रेड क्रम्स बना के फ्रिज में रखिए, काम आते हैं। 1/2 चम्मच हरी मिर्च, मसाले बहुत डालिए, जम के डालिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। और उसके बाद आपने सॉल्ट डालना है स्वाद अनुसार, मैं 1/5 चम्मच डाली, 1/4 चम्मच डाला मैंने हल्दी, 1 चम्मच मैंने डाला कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 से 1/2 चम्मच, आप आधा भी डाल सकते हैं, मैं आधा डालूँ, आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च और मैंगो पाउडर जो अमचूर पाउडर होता है वो ज़रूर डालिए 1 चम्मच भर के। गरम मसाला 1/2 चम्मच इस वक्त आप ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। 2 रोटियां जो लेफ्ट ओवर रोटी है या ताजी रोटी, कोई भी रोटी बची हुई है आपके पास, ये मल्टीग्रेन रोटी है, उसको फैला लीजिए एक के ऊपर एक करके, और उसके ऊपर आप ये आलू के पेस्ट को लगा दीजिए। और उसमें मैंने स्लरी बनाई है, 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसको घोल बना लीजिए पतला पतला बिल्कुल, और इसको लगा दीजिए अच्छे से। ये क्या करेगा, आटे को और इसको पकड़ लेगा आलू को, और क्रिस्प सा कर देगा इसको कट समोसा को। तो इस तरीके से आपने इसको लेके रोल कर देना, ये आपस में पकड़ लेगा, ये जो कॉर्नफ्लावर घोल बनाया हमने, स्लरी बनाई है, ये आपस में इसको पकड़ लेगी, बस इस तरीके से रोल बना लीजिए। पैन में ऑयल लीजिए, ऑयल बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत कम तेल में भी इसको बना सकते हैं, मैंने थोड़ा
सा ठीक ठीक लिया है, आप चाहें तो बहुत 2-3 चम्मच भी ले सकते हैं। साइड्स काट के रख दीजिए इसके, और 1-2 रोटी से आपके 4 बड़े बड़े कट रोटी समोसा बन जाएंगे। इस तरीके से काट दीजिए, इनकी शक्ल में ना जाइए, बहुत खूबसूरत बनते हैं। थोड़े बड़े और छोटे साइज़ में बनते हैं क्योंकि रोटी का शेप अलग अलग होता है। टूथपिक लगा लीजिए क्योंकि रोटी खुल जाती है, बाद में इसको हम निकाल देंगे। साइड में जहाँ पे जॉइंट आ रहा है ना, वहाँ आप टूथपिक लगा दीजिए ताकि आपस में पकड़ लें एक दूसरे को। अब जो हमने स्लरी मैदे का घोल बनाया था, 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, पतला पतला, देखिए कितना पतला है ये घोल, बस इतना ही पतला, ये चारों के लिए सफिशियंट है। इसमें इनको लपेट दीजिए, बिल्कुल पतला घोल, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाइएगा वरना अच्छे नहीं बनेंगे ये। और इसको आपने तेज आँच पे डाल देना है, और फिर बिल्कुल आँच को स्लो, मतलब बिल्कुल ही लो फ्लेम पे कर देना है आपने, धीमी आँच में इनको सेकिए आराम से। तो बस इस तरीके से आप चारों को डाल दीजिए और आँख को बिल्कुल लो पे कर दीजिए, और थोड़ी देर के बाद ये क्रिस्प होने शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी क्रिस्प होते हैं। बीच बीच में आप फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं। और अब हम, जब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल थोड़े से पकने लग गए हैं, तो अब हम इनकी टूथपिक को बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से खींच के निकाल दीजिए, अब ये आपस में जुड़ चुके हैं, अब ये नहीं खुलेंगे। तो इस तरीके से, और अब हमने इनको बिल्कुल धीमी आंच में सेकना है। ये देखिए, आपको दिखने लग जाएगा कि ये जो ब्रेड अंदर आलू हैं वो करारे से होने लग जाएंगे, बस उसी वक्त हमने इनको निकाल देना है। बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल समोसे से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं खाने में, पता ही नहीं चलता रोटी है। बहुत बढ़िया, आप किसी बच्चों की पार्टी के लिए भी आप बना सकते हैं रोटी के, अगर आप मैदा नहीं यूज़ करना चाहते तो बहुत शानदार बनते हैं। ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया, चटनी के साथ खाइए। और इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई करके मुझे बताइएगा कैसी लगी। तो कल मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ, इसी जगह इसी वक्त, एक नई सुबह। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।